मित्रों, आज हम आप लोगों को पीपल के वृक्ष के बारे में जानकारी देंगे। बहुत औषधीय गुणों से भरपूर है पीपल का वृक्ष। मित्रों, जो यह पीपल वृक्ष हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, यह वृक्ष बहुत ही भाग्यशाली वृक्ष है। इसी वृक्ष के पास में मुरलीधर मंदिर बना हुआ है, जो सीतापुर जिले उत्तर प्रदेश में रामपुर मथुरा कस्बा में स्थित है। उसी मंदिर में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ अंश रामचरित मानस सुंदर कांड के लिखे थे और कुछ समय यहाँ पर ठहरे थे। तभी से यह पेड़ अपनी ख्यात लिए हुए उपस्थित है और बहुत पूजनीय वृक्ष है। इसके बारे में बहुत सी कहावतें और कहानियाँ हैं। यह मुरलीधर मंदिर के पास स्थित है। पीपल वृक्ष बहुत ही लाभकारी, बहुत ही अच्छा माना गया है, हमारे भारत देश में पूजनीय माना गया है। इस वृक्ष में देवताओं का वास होता है। पीपल के वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा का वास, तने में भगवान शिव का वास और शाखाओं पर भगवान विष्णु का वास रहता है और पत्ते पत्ते पर देवताओं का वास होता है। पीपल का वृक्ष बहुत शुभ होता है। इससे जो ऑक्सीजन निकलती है वह बहुत शुद्ध होती है। इसे इसके नीचे प्रतिदिन घी का दीपक जलाना चाहिए, इससे धन धान्य की कमी नहीं होगी। पीपल के वृक्ष का सिर्फ धर्म और पुराणों में ही नहीं बल्कि विज्ञान में काफ़ी महत्व है। प्रकृति विज्ञान के अनुसार पीपल का वृक्ष दिन रात ऑक्सीजन छोड़ता है, जो हमारे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पीपल के वृक्ष को अक्षय वृक्ष भी कहा गया है, क्योंकि यह पेड़ कभी पत्ते विहीन नहीं होता है। पीपल का वृक्ष हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना गया है। मुख्य रूप से इसको भगवान विष्णु का स्वरूप मानते हैं। इसके पत्ते पत्ते टहनियों में देवताओं का वास होता है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। इससे जीवन में आ रही बाधाओं से छुटकारा मिलता है। पीपल बहुत ही फायदेमंद होता है। घर की छाया थोड़ी सी दूर पर आम, पीपल व नीम लगा सकते हैं। अलक्ष्मी दरिद्रता की देवी मानी गई है और हमेशा जीवन में गरीबी व परेशानी देती रहती है। इसलिए सूर्योदय से पहले ना तो पीपल की पूजा करनी चाहिए और ना ही वृक्ष के पास जाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता चली जाती है। हमेशा सूर्योदय के बाद पीपल की पूजा करें। पीपल के फलों का चूर्ण बना लें, इससे खून साफ होता है। 1-2 ग्राम पीपल के बीजों का फल का पाउडर शहद में मिलाकर 2 बार रोजाना खाने से खून साफ होता है। कब्ज, पीपल के 5-10 फल खाने से कब्ज रोग में फायदा मिलता है। लीवर के रोगी को 3-4 ताजे पत्ते पीपल के मिश्री मिलाकर खाने से बहुत ही लाभकारी माना गया है। पीपल के 3-4 पत्तियों को छाया में सुखा लें और 250 ग्राम पानी मिलाकर उसमें मिश्री मिलाकर फिर पिए, बहुत लाभकारी माना गया है। पीलिया में 2-3 पत्ती चीनी मिलाकर पीने से पीलिया रोग ठीक हो जाता है। इसका दूध वात पित्त कफ त्रिदोष को दूर करता है। इसका दूध बतासे में मिलाकर सेवन करें, बहुत ही लाभकारी माना गया है। पीपल बहुत ही तरह से फायदेमंद है। पीपल की पूजा ही बहुत ही फायदेमंद है। दरअसल पीपल की पूजा करें, पीपल को जल अर्पण करें, पीपल के नीचे दीपक जलाएं, शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं, इससे शनिदेव जी प्रसन्न रहते हैं और धन धान से फलीभूत करते हैं। दरअसल बोध वृक्ष बिहार के गया जिले में बोध गया स्थित
महाबोध मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल का पेड़ है। इसी पेड़ के नीचे ईसा पूर्व 531 में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह वृक्ष आज भी अभी मौजूद है और अपनी लंबी आयु के कारण बहुत प्रसिद्ध है। बोध का मतलब ज्ञान होता है। इस पेड़ को नष्ट करने को कई बार कोशिश की गई, लेकिन यह पेड़ अपने चमत्कारी प्रभाव से पुनः फिर से अपने आप में तैयार हो जाता है। आज हमने अपने ज्ञान दर्शन वन औसत चैनल के माध्यम से पीपल के वृक्ष का महत्व बतलाया है, जो भी समय समय पर औषधीय पौधे पेड़ फल फूल मिलते रहेंगे, उनके बारे में हम आप लोगों को अपने विचार साझा करते रहेंगे। आज हमने आपको पीपल के पेड़ के बारे में बतलाया है। समय समय पर जो भी जानकारी प्राप्त होती रहेगी, हम आप तक अपने विचार साझा करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें, ताकि हमारे द्वारा आपको जो भी नई नई जानकारी प्राप्त होती रहे, आपको मिलती रहे। आज हमने यह जो पीपल का पेड़ दिखला रहे हैं, यह बहुत ही पौराणिक, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही पुराना पेड़ है। यह हमारे उत्तर प्रदेश के रामपुर मथुरा मुरलीधर मंदिर के पास में लगा हुआ है। लोगों का कहना है यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी आए और ठहरे थे। इसी मंदिर में गोस्वामी तुलसीदास जी का चबूतरा भी है, पूजनीय है। मुरलीधर मंदिर बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुराना है। इसी के पास यह पीपल का पेड़ लगा हुआ है और अपनी गरिमामयी उपस्थिति दे रहा है। लोगों को इससे लाभ और फायदे भी मिल रहे हैं। हमने आपको आज पीपल के बारे में जानकारी दी है। जो भी समय समय पर हमें औषधीय पौधे प्राप्त होते रहेंगे, हम आप तक अपने विचार साझा करते रहेंगे। मित्रों, ज्ञान दर्शन वन औसत चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन दबाएं और एक लाइक अवश्य कर दें। आपके लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ जाता है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, वंदे मातरम।